बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं कपाट बंद होने के दिन दस हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष के चारधाम यात्रा का समापन हो चुका है कपाट बंद होने से पहले मुख्य पुजारी राबल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी स्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान बद्री विशाल के धाम के गर्भगृह में प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापित किए हैं इसके बाद पुजारी उद्धव जी ने और कुबेर जी को मंदिर प्रांगण में लाए गए हैं वहीं भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ से रविवार 19 नवंबर को श्री उद्धव जी श्री कुबेर जी की देव की डोली पांडुकेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर जोशीमठ प्रस्थान करेगी बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार 38 लाख रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री केदार मंदिर पहुंचे हैं जिसमें से आज कपाट बंद 18 लाख चालीस हजार से अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं उन्होंने यात्रा में योगदान करने वाले सभी व्यक्तियों संस्थानों को बधाई दी है चमोली से संदीप कुमार कृपा